बन रहा है पिज्जा पास्ता, थोड़ा सा ऑयल, बिल्कुल थोड़ा सा, देखें 2 से 3 खाने के चम्मच ऑयल। टॉपिंग के लिए आप कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी पिज़्ज़ा बना रहे हैं। चिकन टिक्का पिज़्ज़ा है तो बिल्कुल वही इसकी चिकन टिक्का मसाला डाल दें और चिकन टिक्का पिज़्ज़ा बन जाएगा। फ़ैता बना रहे हैं तो कुटी काली मिर्च, लहसुन और बस, और इसमें उसको फ्राई कर रहे हैं चिकन को। और ये वाला जो हम नॉर्मल बना रहे हैं, बिल्कुल इसमें कोई स्पाइसेस वगैरह नहीं है। 1 खाने का चम्मच लहसुन लिया चॉप किया हुआ, हल्का सा करेंगे फ्राई, और इसके बाद सिंपली 1 पाव उसमें चिकन। ये 1 पाव चिकन हम 12 इंच के पिज़्ज़े में इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत है। थोड़ा सा नमक और तेज़ आंच पे इसको पहले करेंगे फ्राई। चिकन इसमें पकना है, बाकी कोई चीज़ पकाने की नहीं है। सब्जियां हैं वो टॉप पे आएंगी और बेक होगा। ये क्या किया मैंने, यहाँ पे हमने इसमें एक तो पास्ता जो इस्तेमाल किया है वो एल्बो मैक्रोनी, ये देखें ये पास्ता, और ये हमने बॉयल करने के बाद, आम तौर पे आप ऑयल लगाते हैं पास्ता को, इसमें ना लगाइएगा, सबसे पहला उसूल। उसकी वजह ये कि अगर ऑयल लगा दिया तो ये पास्ता आपस में चिपकेगा नहीं। अभी जैसे ही बॉयल करके निकाला, फौरी तौर पे मैंने ये पिज़्ज़ा ट्रे में, 12 इंच की ट्रे, नीचे हमने थोड़ा सा ऑयल लगाया ताकि इसको निकालने में आसानी हो, और पास्ता के को निकालने के बाद हमने इसमें ऑयल नहीं लगाया। इससे फ़ायदा क्या होगा कि ये सारा जुड़ जाएगा। फिर ये प्लेट मैंने इसके ऊपर रखी, थोड़ा सा ऑयल प्लेट के ऊपर लगाया था और इस पर वज़न रखा हुआ था ताकि ये थोड़ी प्रेस हो जाए और जब इसको हम निकालें तो पास्ता बिखरे नहीं। ये थोड़ी ज़रा जुगाड़ की थी पिज़्ज़ा सॉस, बस, और इसको स्प्रेड करने की ज़रूरत भी नहीं है, सिंपल बस जैसे डल गया एज इट इज़। ये आ गया हमारा मोज़रेला चीज़, और अब इसकी मज़ीद टॉपिंग आ गई जिसमें थोड़ा सा मशरूम्स, इसके बाद आ जाता है चिकन। और चिकन देखिएगा, ये 1 पाव चिकन है और 1 पाव चिकन तकरीबन बोनलेस कोई 300 रुपये का है अप्रॉक्सीमेटली। इसमें सब्जियां, इसमें शिमला मिर्च, फिर आ जाता है इसके ऊपर क्यूब में कटा हुआ टमाटर, अच्छा खासा रंग बिरंगी हो जाएगा अभी थोड़ी देर के अंदर, 1-2 और कलर इसमें आएंगे ना, ये रेंज। और इसके बाद आ गया इसमें काले जैतून, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बट अगेन अगर आपकी चॉइस नहीं है तो इसमें से माइनस कर ले। जो भी रेसिपी हम आपको देते हैं ये जहन में रखेंगे, सिर्फ आइडियाज़ हैं, जो मेरा आइडिया है आपको भी हो सकता है। इसमें कोई सी चीज़ आपने चेंज करनी है, चिकन को आपने फ्लेवर करना है, टिक्का फ़ैता वो आप कर सकते हैं, कुटी लाल मिर्च शामिल कर सकते हैं थोड़ा स्पाइसी करने के लिए, लिहाजा ये आपकी अपनी चॉइस है, नो इशू। ये देखें कितना बेहतरीन कलर्स आ गए इसके ऊपर, और आखिर में इसमें आ गया क्यूब में कटा हुआ प्याज, और ये हमारा पिज़्ज़ा हो गया तैयार। तो रेसिपी कार्ड मैंने आपको बताया था, आप ये रेसिपी अगर नेट पर सर्च करेंगे तो आपको इस तरीके से पिज़्ज़ा पास्ता नहीं मिलेगा। हमेशा पिज़्ज़ा पास्ता का कॉन्सेप्ट ये है कि पिज़्ज़ा के ऊपर जो टॉपिंग्स होती हैं वो उन्होंने पास्ता पे डायरेक्टली डाल ली, हम इसको चाह रहे हैं कि लुक भी पिज़्ज़ा वाली दे दें, ये रेख बस। और ये गया सीधा ओवन में, 10 मिनट के लिए बेक करेंगे इसको, और मैंने यहाँ पे ओवन में नीचे से यहाँ की जो हीट है ये वाली ऑन की हुई और ऊपर की हीट ऑन नहीं की। 10 मिनट हम देखेंगे, और मेरे हिसाब से 10 मिनट के अंदर आराम से 200 डिग्री पे इसको बेक कर रहे हैं बस। पिज्जा पास्ता अज्जा, उबली एल्बो मैक्रोनी 1 पैकेट, पिज्जा सॉस 1 कप, कद्दूकश मोज़रेला चीज 1/2 कप, बोनलेस चिकन क्यूब्स 250 ग्राम, तेल 4 खाने के चम्मच, नमक 1 खाने का चम्मच, चॉप लहसुन 1 खाने का चम्मच, शिमला मिर्च क्यूब्स 1 अदद, प्याज क्यूब्स 1 अदद छोटी, टमाटर क्यूब्स 1 अदद, काले जैतून स्लाइस 4 खाने के चम्मच।